मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमिता मलिक ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग अब शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज शुरुआत करते हैं, अभी सुबह बच्चे वगैरह जा चुके हैं स्कूल और मैं करती हूँ नाश्ता। आज मैंने नाश्ते में कुछ अलग किया, थोड़ा थोड़ा चेंज हम करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। देखो आज मैं क्या लूँगी नाश्ते में। फ्रेंड्स ये देखो, आज डिटॉक्स मैंने बनाए हुए थे, ये कड़ी पत्ते और नींबू वाला है और ये करौंदे वाला है। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा करौंदा इसमें। लेकिन फ्रेंड्स आज भाई मेरा मूड नहीं है ये सब लेने का भी, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी आज। फ्रेंड्स मैंने बच्चों को और खुद के लिए भी बनाया है फ्रूट रायता। इसमें मैंने बच्चों के लिए भी सुबह वो भी खा के गए, उनको भी बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगा, एकदम से दिमाग में आइडिया क्लिक किया। ये मैंने कुछ एप्पल कट कर ली हैं और अनार, दही में बहुत अच्छा रहता है, आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं। मैं बनाना ऐड नहीं कर रही हूँ और बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा आप इसमें मीठा डाल सकते हैं, नमक अवॉइड करें। नाश्ते में ले रही हूँ फ्रूट रायता, अपनी राजमा और रोटी। भाई हमें अपनी दिल की और अपने शरीर की सुननी चाहिए। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि सुबह सुबह मैं डिटॉक्स पीऊँ, मुझे भूख लग गई थी, पता नहीं कैसे ही थोड़ा सा मूड ऐसे ही था कि थकान थकान वाला। तो मैंने सोचा चलो अपने दिल की और अपनी बॉडी की ज़रूर सुननी चाहिए। और जैसा कि हमारी कई बार बॉडी कहती है कि नहीं, जैसे अब मैंने चाय छोड़ दी है तो मुझे था कि अब मुझे हेल्थ अपनी हेल्थ में थोड़ा सा चेंज लग रहा है, मैं दही खा पा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे दही से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, वो मेडिसिन ली नहीं, उनका असर है शायद ये। तो मैं फटाफट से, तो फ्रेंड्स अभी शाम को आज मैं बच्चों को लेके गई जिमनास्टिक के ट्रायल के लिए। मैम ने कहा था एक बार मैं इनका ट्रायल ले लेती हूँ कि बच्चे अच्छे से कर भी पाएंगे नहीं, तो दोनों का ट्रायल था। अच्छा किया इन लोगों ने आज, अच्छा मतलब करके दिखाया। मैम को यदि राज कर रहा है डिगमिग होते हुए, और मैम ने कहा कि हाँ अच्छे से दोनों बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मैं वर्कआउट पर इनका वैसे भी ध्यान देती थी, घर में भी लोग करते रहते थे, नहीं तो आजकल बच्चे फ़ोन वगैरह के कारण वर्कआउट हमारा बंद हो गया है। तो अब देखो इन्होंने यहाँ फुल एंजॉय किया, ये आज इनका फर्स्ट ट्रायल था। फिर उसके बाद मैं पहुँची कि भई चलो अब इसके बाद तो बच्चे जंक फूड खुद ही कह रहे थे कि मम्मा अब हम नहीं खाएंगे, और हम पहुँचे मिल्क पॉइंट, तो गोलगप्पे सोचा खाते हैं। लेकिन मुझे सीरियसली बताऊँ भाई, मैं अपने रिव्यू देती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, जो पहले क्वालिटी थी मिल्क पॉइंट की वो नहीं रही है, और मुझे यहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने लास्ट टाइम फिर एक दही वाला गोलगप्पा खाया और फिनिश किया। उसके बाद सब कैसे लगा दिया बच्चों ने और मैंने, सबने अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ ली यहाँ से, मुझे भी पसंद है कलरफुल, जिसको जो पसंद थी मुझे भी और आराध्या को भी, सबको ही, अधिराज को, हम सबको मिठाइयाँ पसंद है और बहुत अच्छा लगा आज। अब हम मार्केट से आ गए भाई, दोनों हम गए थे मार्केट। और अब मिस्टर मलिक कहाँ जा रहे हो? पार्टी में जा रहे हैं ये अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ। बहुत टाइम हो गया था इन लोगों को प्लान करते हुए, जाना चाहिए भाई, फिर मैंने ही फोर्स करके इनको कहा कि नहीं नहीं जाओ, क्योंकि ये भी मुझे अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ फोर्स करके भेजते हैं, क्योंकि कुछ क्वालिटी टाइम हम लोगों को, हम भूल जाते हैं अपनी पुरानी फ्रेंड्स को, ये अपने पुराने फ्रेंड्स को, तो ये भी मुझे फोर्स करके भेजते हैं। तो आज मैंने ही कहा कि नहीं चलो, फोर्स काफ़ी हम ये काफ़ी दिन से ही फ्रेंड्स को, फिर इन्होंने फ़ोन वोन किया। तो कब के फ्रेंड्स हैं वो आपके? 15 साल पुराने, 20 साल पुराने, हाँ बुढ़े हो गए वैसे भी आप। तो देखो अब ये जा रहे हैं, और ये भाई कोर्ट की यूनिफॉर्म जो इनकी है, उसके अलावा कभी कभी कलरफुल दिखते नहीं तो ब्लैक एंड वाइट ही लगते रहते हैं। प्रवीण क्यों प्रवीण, ठीक है फिर चलो। तो फ्रेंड्स अब मैंने डिनर में बनाई है आज खिचड़ी। भाई आज मैं पूरा दिन सोई हूँ, मैंने बहुत रिलैक्सिंग रहा आज का दिन मेरा, मैंने बहुत अच्छी नींद ली, काफ़ी दिन हो गए थे भाग दौड़, तो इसलिए आज मैंने पूरा दिन रेस्ट किया। बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, और अब देखो मैंने राजमा बनाई थी तो उसके मैंने अभी चाट बना लिया, प्याज और नींबू डाल के, मुझे बहुत पसंद है राजमा के साथ, इसमें काफ़ी हेल्दी होती है राजमा, इसलिए मैं खाती हूँ। तो राजमा की सब्ज़ी भी दिन में खा ली थी, और अब डिनर में खाएँगे खिचड़ी। हाँ तो बच्चे गए हैं मंदिर और मुझे नीचे से उनकी आवाज़ आ चुकी है, वो शायद आ गए हैं। अभी गणेश चतुर्थी, गणेश का वो चला हुआ है महोत्सव, तो वो लोग शाम को अपनी दादी के साथ रोज मंदिर जाते हैं, और मैं डिनर बना चुकी हूँ उनका, बस वेट कर रही हूँ वो आए और कब हम डिनर खा के फटाफट से सोएं, ताकि सुबह भाई बहुत जल्दी उठना पड़ता है तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाती थी, इसलिए मैंने आज छुट्टी की और मैं पूरा दिन मैंने सोई हूँ, मैंने सिर्फ कोई भी कुछ भी काम नहीं किया आज, मैंने पूरा दिन मैं आज सोई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने कभी सोन देगी, देखो मैंने कहा था ना नीचे आवाज़ आ रही है और गेट खुल चुका है और ये लोग आ चुके हैं।